All of you, today we will see manufacturing defects in tablets. So in that, the following defects may occur during the compression of granules into tablets. So first defect which is occur in the manufacturing process of tablet is capping. So in this case, there is partial or complete removal of top or bottom portion of tablet. The reason for this is added, matlab jo capping hai, capping hota hai, wo aisa process hota hai ki tablet manufacturing, during the tablet manufacturing process kya hota hai कि जो टैबलेट्स होती है उसकी जो बॉटम्स के जो पोर्शन होते हैं और जो टॉप जो उसका पोर्शन होता है वो वहाँ से ब्रेक होने के चांसेस होते हैं या फिर वो ठीक तरीके से रिमूव नहीं होते, जो मोल्ड होता है उसकी कैविटी से वो ठीक तरीके से रिमूव नहीं होते, जिसकी वजह से कैपिंग हो सकती है। यहाँ जो हम देखेंगे सिर्फ डेफिनेशंस देखेंगे कि पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपके जो सेमेस्टर आपके जो भी एग्ज़ाम होंगी वो ऑनलाइन बेसिस पर होने वाली है, तो उसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि कैपिंग व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ, सो आपको वहाँ पर आंसर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सो हियर वी विल सी द डेफिनेशंस ऑफ पर्टिकुलर मेथड्स और टर्म्स दैट हियर यूज। सो नेक्स्ट इज पिकिंग इज टेकिंग। सो इन दिस द मटेरियल इज रिमूव्ड और पैक अप बाय अपर पंच फ्रॉम द सरफेस अपर सरफेस ऑफ टैबलेट। In the case of stretching, the material stick the wall of the die. This defect can come under. So picking and stretching, skidding, picking and sticking क्या है कि picking कब बोलेंगे हम, जब tablet बनने during the manufacturing of tablet, अगर tablet का जो mold होता है सबसे पहले वो क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है वो होता है mold और ऊपर वाला क्या होता है पंच होता है। तो जो ऊपर वाले अगर पंच में अगर टैबलेट स्टिक होती है अपर वाले पार्ट में मटेरियल अगर ऊपर स्टिक होता है तो उसको हम बोलेंगे पिकिंग, अगर वो स्टिक होता है कहाँ पर मोल्ड में तो उसको हम बोलेंगे स्टिकिंग। सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद में मॉटलिंग। सो मॉटलिंग मीन्स इट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ कलर्ड टैबलेट। दिस डिफेक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, यानी कि मॉटलिंग क्या है, मॉटलिंग ऐसा प्रोसेस है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप टैबलेट देखते हो तो वो एक ही कलर की होती है, आपने कभी इसे देखे कि वहाँ पर उसका एडल्ट्रेशन हुआ है या टैबलेट उसके टॉप से थोड़ी ज़्यादा रेड है और बॉटम से थोड़ी हल्की फेंट रेड है, ऐसा नहीं होता, टैबलेट पूरी एक ही कलर की होती है। तो वहाँ पर किसी तरह की, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडलिंग। अगर हमको किसी तरह की वहाँ पर कलर के चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, टैबलेट का मॉडलिंग है। नेक्स्ट इज वेट वेरिएशन। सो एज द नेम सजेस्ट, ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इन अ टैबलेट मशीन द टैबलेट डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म वेट, जनरली फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ डिफेक्ट। मतलब क्या है कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में अगर टैबलेट एक ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैच में 100 टैबलेट्स बनती है और 100 टैबलेट्स आपने सेट किया था 500 mg की टैबलेट, लेकिन किसी का वेट 400 mg है, किसी का वेट 450 mg है, किसी का वेट 479 mg है, तो इस तरह से नहीं चलता। आपको पूरा वेट जो है वो कितना होना चाहिए, अगर आप 500 की टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका वेट 495 या फिर 505 mg, इतना वेरिएशन चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं चलता। सो नेक्स्ट इज हार्डनेस वेरिएशन। सो हार्डनेस वेरिएशन मीन्स व्हाट, टैबलेट कितनी हार्ड है। सो हार्डनेस वेरिएशन इज अ प्रॉब्लम हैविंग द सेम कॉजेज एज वेट वेरिएशन। इन द केस टैबलेट डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म हार्डनेस, हार्डनेस डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द मटेरियल एंड द स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर पंचेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कंप्रेशन। इफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल वेरीज और द डिस्टेंस बिटवीन द पंचेस वेरीज, द हार्डनेस इज ऑल्सो वेरीज। देखो जो हार्डनेस है वो टैबलेट की किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पाउडर यूज़ कर रहे हो, कितना डिस्टेंस यूज़ कर रहे हो पंच और मोल्ड के बीच में। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा वहाँ पर जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगी, हार्डनेस रहेगी। जितना कम पाउडर रहेगा उतनी कम हार्डनेस, जितना ज़्यादा पाउडर आप पंच करने की कोशिश करोगे उतना उसका ज़्यादा हार्डनेस रहेगा। नेक्स्ट इज डबल इंप्रेशन। सो दिस इफेक्ट, व्हाट इज डबल इंप्रेशन, सो दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन अ लोअर पंच हैज़ मोनोग्राम और सम अदर इंग्रेविंग ऑन इट। यानी कि क्या कि डबल इम्प्रेशन मतलब क्या कि जब टैबलेट आप बनाते हो तो आपने टैबलेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ टैबलेट्स के ऊपर हॉलो मार्क्स होते हैं, कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल 500 mg की टैबलेट है तो उसके ऊपर 500 mg लिखा हुआ होगा, तो वो कैसे लिखते हैं वो, तो जो मोल्ड होता है लोअर मोल्ड, मोल्ड के अंदर एक डाई होती है जो आपको क्या होती है वहाँ पर एक यहाँ पर प्रिंट होती है, और फिर क्या होता है जब आप पाउडर्स में फिल करते हो तो वो प्रिंट उसमें अपने आप वहाँ पर इम्प्रिंट होना
पंच की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ड्यू टू सम डिफेक्ट मशीन में किसी डिफेक्ट आने की वजह से वो जो प्रॉपर इम्प्रेशन है वो वहाँ पर नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं अनडिज़ायरेबल मूवमेंट ऑफ पंच या अनडिज़ायरेबल मूवमेंट ऑफ मशीन की वजह से अगर वहाँ पर किसी तरह का जो हम नाम प्रिंट कर रहे हैं उसमें नाम नहीं आता तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल इम्प्रेशन। सो नेक्स्ट इज कोटिंग ऑफ मशीन। सो टैबलेट्स आर कोटेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। टैबलेट हम क्यों कोट करते हैं, टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ऑर्डर, टू इम्प्रूव द अपियरेंस ऑफ टैबलेट, टू प्रिवेंट द मेडिकमेंट फ्रॉम एटमोस्फेरिक इफेक्ट, टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ ड्रग, टू प्रोड्यूस द सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट। सो दीज आर द कोटिंग पर्पस ऑफ टैबलेट्स। क्या क्या है कि अगर उसका जो टेस्ट है वो अनप्लेजेंट है उसको, तो इसको कवर करने के लिए, और अगर उसका अपीयरेंस टैबलेट का वियर्ड है तो उसको अपीयर उसको कवर करने के लिए, या टैबलेट्स को मैन्युफैक्चरिंग एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए, और कुछ पर्टिकुलर ड्रग ऐसा है जिसको पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे वहाँ पर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग हमको इंटेस्टाइन की डिसीज़ के लिए ट्रीट करना है और वो वहाँ पर जाकर ही उसने एक्ट होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसको हम कोट करते हैं फिर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, द फर्स्ट वन इज़ पैन प्रोसेसिंग एंड सेकेंड वन इज़ प्रेस कोटिंग। सो इन पैन कोटिंग, इन दिस टेक्निक द कोटिंग इज डन इन अ पैन मेकअप ऑफ कॉपर और स्टेनलेस स्टील, द पैन इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, द टैबलेट्स टू बी कोटेड आर प्लेस्ड इनटू द पैन, हॉट एयर इज ब्लोन, द स्पीड ऑफ पैन इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट इट रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द पैन। आफ्टर कोटिंग पुशिंग इज डन इन पॉलिशिंग पैन। पैन कोटिंग टेक्निक इज़ यूज फॉर शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड इंटेरिक कोटिंग। तो पैन कोटिंग क्या होती है कि ऐसी मशीन होती है जो कि किस चीज़ से बनी होती है, कॉपर और स्टेनलेस स्टील से, और फिर क्या होता है कि जो पैन जो है वो रोटेट होता है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर। एंड देन जो फिर टैबलेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है हमको, हम वो उस पैन के अंदर ऐड करते हैं और फिर उसके अंदर हॉट एयर पास करते हैं और उसको हम स्पीड के ऊपर सेट करके उसको एक क्या करते हैं, उसको फिर रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर टैबलेट क्या होती है फिर कोटिंग होना शुरू होती है। तो ये पैन कोटिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज प्रेस कोटिंग टेक्निक। सो इन दिस टेक्निक द ग्रैन्यूल्स ऑफ कोटिंग मटेरियल आर प्रिपेयर्ड इन अ लेयर ऑफ कोटिंग मटेरियल इज प्लेस ऑन परफॉर्म टैबलेट बिलो एंड अबोव ऑफ द टैबलेट टू बी कोटेड इन ड्राई कोटर रोटेटरी टैबलेट मशीन, द होल ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑटोमेटिकली इन द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये क्या होता है, जो भी प्रेस कोटिंग होती है उसमें क्या होती है, हमारी जो टैबलेट्स होती है जो ग्रैनुल्स होते हैं वो उसके दोनों तरफ कोटिंग मटेरियल होता है और वो एक लेयर वहाँ पर प्रिपेयर करके लगाई जाती है, जिसकी वजह से भी टैबलेट को कोटिंग जो है वो होती है। सो नेक्स्ट इज शुगर कोटिंग। सो शुगर कोटिंग इज डन बाय पैन कोटिंग मेथड। सो शुगर कोटिंग कौन सी मेथड से हम करते हैं, पैन कोटिंग मेथड से। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट्स टू मास्क द अनप्लेजेंट फ्लेवर ऑफ टेस्ट, यानी कि एक पुराना एक तरीका है जिसकी वजह से हम टैबलेट को कोट करते हैं, सो टू मास्क देयर टेस्ट। सो इसकी वेरियस स्टेप क्या क्या है कोटिंग की, शुगर कोटिंग की, फर्स्ट इज सीविंग, सेकेंड वन इज सीलिंग, थर्ड वन इज सब कोटिंग, फोर वन इज सिरप कोटिंग, फाइव वन इज फर्निशिंग एंड सिक्स वन इज पॉलिशिंग। सो फर्स्ट वन इज सीविंग। सो इन दिस इन सीविंग द टैबलेट शुड बी कोटेड आर शेकन इन अ सुटेबल सीव टू रिमूव द फाइन पाउडर और ब्रोकन पीसेस ऑफ टैबलेट, यानी कि सबसे पहले हमको टैबलेट को क्या करना है, सीविंग करनी है ताकि वहाँ पर जो भी ब्रोकन पीसेस है टैबलेट के या जो भी और फॉरन मटेरियल है वहाँ पर रिमूव हो सके। फिर उसके बाद सीलिंग करना है। सीलिंग इज डन टू इंश्योर दैट द थिन लेयर ऑफ द वाटर प्रूफ मटेरियल सच एज शेलक और सेल्युलोज एसिड पेंथलेट इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द टैबलेट्स। तो आपको टैबलेट्स को सील करना है विद द हेल्प ऑफ ऐसा मटेरियल जो कि वाटर प्रूफ मटेरियल हो, सच एज शैलक और सेल्युलोज की आप लेयर टैबलेट के ऊपर ऐड करते हो। सो इस लेयर को ऐड करने के लिए आप जो टैबलेट कोटिंग पैन है वो यूज़ करते हो, यहाँ पर उसका डायग्राम दिया हुआ है। इस तरह से आप ये पैन कोटिंग मशीन का मशीन है जिसमें यहाँ पर टैबलेट फिक्स होती है और ये रोटेट होता है और इसमें ये जो होता है इससे हॉट एयर और अंदर पास होती है और अंदर टैबलेट होती है और वो और फिर क्या होता है एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर वो रोटेट होता है। नेक्स्ट इज सब कोटिंग। सो सब कोटिंग, इन सब कोटिंग सेवरल कोट्स ऑफ शुगर एंड अदर मटेरियल सच एज जिलेटिन एकाशिया आर गिवन इन राउंड ऑफ टैबलेट टू हेल्प इन बिल्ड अप द टैबलेट साइज। सेवरल कोट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सिरप कंटेनिंग एकाशिया और जिलेटिन आर गिवन आफ्टर ईच एडिशन ऑफ सिरप डस्टिंग पाउडर इज स्प्रिंकल्ड, यानी कि क्या करते हैं इसमें सेवरल स्टेप सेवरल जो है वो कोटिंग जो इसके ऊपर सब कोटिंग जो टैबलेट के ऊपर होती है किस चीज़ की, आकाशिया और
सेवरल कॉन्सेंट्रेटेड सिरप की, ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी टैबलेट का हमको वेट मैनेज करना है तो उसके ऊपर आप सब कोटिंग करके उसका वेट आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हमको एक एक फिर हम कोट ऐड करते करते उसका हम टेस्ट यहाँ पे मास करते हैं, और उसके साथ में कौन से इंग्रीडियंट ऐड करते हैं, अकाशिया एंड जिलेटिन, और फिर उसके बाद में उसमें पाउडर भी ऐड करते हैं ताकि वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर हम सिरप कोटिंग, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इज सिरप कोटिंग। सो दिस इज़ डन टू गिव शुगर कोट्स ओपेसिटी एंड कलर टू द टैबलेट्स। सेवरल कोट्स ऑफ द सिरप अप्लाइड कलरिंग मटेरियल्स टू बी ओपेसिफाइंग एजेंट आर ऑल्सो एडेड इन द सिरप। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग इज रिपीटेड अंटिल यूनिफॉर्म कलर टैबलेट आर ऑब्टेन। सबसे फिर आपको क्या करना होता है आपके ऊपर, उसके ऊपर फिर आप सेवरल कोट्स ऑफ सिरप के अप्लाई करते हो उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसको फिनिशिंग देते हो आप डस्टिंग पाउडर की, फिर उसके बाद कोल्ड एयर पास करके, फिर उसके बाद बीज वैक्स के थ्रू आप उसको पॉलिश करते हो। सो ये पॉलिशिंग मशीन है यहाँ पे, इसकी मदद से हम टैबलेट की पॉलिशिंग करते हैं। उसके बाद में फिल्म कोटिंग। सो फिल्म कोटिंग क्या है? सो फिल्म कोटिंग इन दिस केस द मटेरियल आर कोटेड बाय अ सिंगल और अ मिक्सचर ऑफ फिल्म फ्रॉम फॉर्मिंग पॉलीमर सच एज हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेलुलोज, हाइड्रोक्सिल मिथिल सेलुलोज, कार्बोवैक्स इथिलीन ग्लाइकोल 400। द पॉलीमर इज रिजॉल्व इन सम वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इट इज स्प्रेड ओवर द टैबलेट्स इन द रोटेटिंग पैन। द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल इट अ यूनिफॉर्म गुड फिल्म इज फॉर्म ओवर द टैबलेट्स। यानी कि फिल्म कोटिंग में क्या करते हैं आप कि सिंगल और मिक्सचर ऑफ फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स जो है सच एज हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेलुलोज और ये सब जितने भी एक्सेट्रा जितने भी फिल्म कोटिंग मटेरियल है वो हम उसके कोट्स जो है वो टैबलेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो ये देर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ दिस फिल्म कोटिंग मशीन दैट यू हैव टू स्टडी। सो आपको ये ड्यूरिंग लेक्चर आपको ये पूरे 9 पॉइंट पढ़ने हैं, खुद से इसको समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज इंटेरिक कोटिंग। सो इंटेरिक कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दिस टैबलेट विल नॉट डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक बट पास थ्रू इट एज दे आर। सच टैबलेट्स आर डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन। दिस टाइप ऑफ स्पेशल टैबलेट कोटिंग इज डन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जिसको आपको स्टमक में क्या नहीं करना होता है, स्टमक में इसको हमको डिजॉल्व नहीं करना होता है, इसलिए हम उसको कोट करके उसको डिजायर उसकी फॉर एग्जाम्पल अगर उसको इंटेस्टाइन में डिजॉल्व करना है तो एक ऐसा पॉलीमर उसमें हम ऐड करते हैं जो कि पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल जैसे 40 मिनट्स लगते हैं टैबलेट्स को हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में जाने के लिए, तो वो फिर वो 40 मिनट्स के बाद ही वो जो पॉलीमर है वो डिजॉल्व होगा और फिर उसके बाद हमारी टैबलेट डिजॉल्व होंगी। तो ये हम क्यों करते हैं, तो देर आर फॉलोइंग रीज़न। सो फर्स्ट वन इज मेडिकामेंट प्रोड्यूस सीवियर इरिटेशन इन द स्टमक। अगर ऐसी टैबलेट जो कि स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करती है तो ऐसी टैबलेट को हम क्या करते हैं फिर कि वो स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस ना करे, इसलिए हम उसको सीधा मास्क करके उसको एक पॉलीमर से मास्क करके उसको हम सीधा इंटेस्टाइन में लाते हैं और फिर वहाँ पर वो डिसइंटीग्रेट होती है। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ मेडिकामेंट इज रिक्वायर्ड इन द इंटेस्टाइन। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है लाइक एंथेलमेंटिक या एमोबियासिस जिसमें आप क्या करते हैं कि मेडिकामेंट जो है वो इंटेस्टाइन में देते हैं। उसी तरह से इफ़ देर आर डिलेड एक्शन इवन, मतलब एक्शन जो है वो हमको लेट चाहिए हो तो इसलिए हम भी ये कर सकते हैं। और ये भी रीज़न है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में बेटर होता है, अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टमक। सो दैट इज़ द वन ऑफ रीज़न दैट वी हैव कोट इंटेरिक कोट टैबलेट्स। सो दिस आर द आइडियल रिक्वायरमेंट आइडियल इंटेरिक कोटिंग मटेरियल विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सो दैट वी हैव टू लर्न यूर सेल्फ। नेक्स्ट इज माइक्रोन कैप्सुलेशन। सो माइक्रोन कैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेक्निक बाई विच थिन कोटिंग कैन बी अप्लाइड टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और डिस्पर्शन दस फॉर्मिंग माइक्रो कैप्सूल्स। द माइक्रो कैप्सूल में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल और अ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल इट डिफर फ्रॉम अदर कोटिंग मेथड्स बिकॉज माइक्रोन कैप्सुलेशन प्रोसेस इज यूज टू कोट द पार्टिकल्स हैविंग अ पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम सेवरल टेन टू अ माइक्रो ऑफ 500। सो ये माइक्रोन इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस क्या होता है? सो माइक्रोन इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो जो टैबलेट्स है उसको आप स्मॉल पार्टिकल्स की जो टैबलेट्स होती है उसको आप कोटिंग थिन कोटिंग प्रोवाइड करते हो, उसको आप जो ड्रॉपलेट्स होती है लिक्विड की वो डिस्पर्स होती है और माइक्रो कैप्सूल फॉर्म करती है। सो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस में इट मे बी अ सिंगल पार्टिकल और क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसको आप क्या करते हो फिर कोटिंग करते हो फिर उनके आप। नेक्स्ट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। सो देर आर वेरियस टेक्निक दैट इज कॉमनली यूज्ड
फर्स्ट वन इज़ केमिकल प्रोसेस विच इज़ केमिकल फेज और फेज चेंज. नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रोसेस विच इज़ देर इज़ अ फिजिकल चेंज इन द सिस्टम बाई यूजिंग इक्विपमेंट. सो दिज आर द टू मेथड्स एंड फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन आर पैन कोटिंग, फ्लूडाइज बेड कोटिंग, को एसर्वेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन, वैक्यूम डिपोजिशन, पॉलीमराइजेशन एंड मल्टी ऑरिफिक सेंट्रीफ्यूजल प्रोसेस. तो ये जो प्रोसेस है सारे, अगर आपको ये डीप में देखना है तो जो बी फार्म का जो सिलेबस होता है उसमें सारी प्रोसेस डीप में दिए हुए होते हैं. यहाँ पर भी आपको उसके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है पैन कोटिंग. सो दिस टेक्निक इज स्टेबल इन दोज केसेस वेयर द पार्टिकल साइज इज लार्जर देन 600 माइक्रोन एंड द मेडिकमेंट आर चार्ज ऑन द स्पेरिकल पैलेट्स ऑफ शुगर विच आर देन कोटेड विद अ कोटिंग मटेरियल इन अ कोटिंग पैन. सो फिर क्या करते हैं आप, ये जो टेक्निक है इसमें जो पार्टिकल साइज होती है जिनकी 600 माइक्रोन, उनको आप कोट करते हो और कोटिंग मटेरियल कोटिंग पैन में यूज़ करते हो. सो कोटिंग मटेरियल डिजॉल्व करते हो सुलेटल सुटेबल वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर और फिर उसको आप स्प्रे करते हो पैन के अंदर. आप जो कार स्प्रे होता है इन शॉर्ट देखा है आपने उस तरह से. सो फ्लूडाइज्ड बेड कोटिंग. सो इन दिस मेथड द पार्टिकल ऑफ सॉलिड कोर मटेरियल आर सस्पेंडेड इन अ टर्बुलेंट करंट ऑफ एन एयर चैम्बर. तो एयर चैम्बर के अंदर आप जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंड करते हो. द सोल्यूशन ऑफ कोटिंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड इन द वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड द ऑटोमाइज्ड इन द चैम्बर थ्रू नोजल्स. और फिर नोजल से उसको आप अप्लाई करते हो और जो फिर वो जो टैबलेट के ऊपर अप्लाई करते हो. थिकनेस ही जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, नोजल्स की साइज़ के ऊपर, की जितना उसका बड़ा साइज रहेगा उतनी उतना थिक ड्रॉप जो है वो वहाँ से हमारा, और जो प्रेशर है उसके ऊपर और जो कितने प्रेशर से वो निकल रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है. नेक्स्ट इज कोएसर्वेशन. सो कोएसर्वेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड और फेस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू हाइड्रोफेरिक कोलाइड्स आर मिक्स्ड अंडर सुटेबल कंडीशन. इन दिस मेथड द थ्री इमिसिबल फेसेस ऑफ कोर मटेरियल सॉल्वेंट एंड कोटिंग मटेरियल आर फॉर्म्ड फॉलोड बाय डिपोजिशन ऑफ कोटिंग मटेरियल ऑन द कोर. यानी कि ये मेथड में क्या होता है फिर कि सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फेस और हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स क्या है वो मिक्स करते हैं हम अंडर सुटेबल कंडीशन और फिर उसके बाद में इमिसिबल फेस जो होती है सॉल्वेंट की वो कोटिंग मटेरियल के ऊपर फॉर्म होती है बाय डिपोजिशन ऑफ सुटेबल मटेरियल ऑन द कोर. फिर जो सुटेबल मटेरियल होता है कोर के ऊपर अप्लाई करके इस मेथड में आप उसको अप्लाई करते हैं. फिर उसके बाद द कोटिंग मटेरियल इज डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड द कोर मटेरियल इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन सॉल्यूशन ऑफ अ कोटिंग मटेरियल. मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती है. एक जो होती है कोटिंग मटेरियल होता है वो डिजॉल्व करते हैं हम सूटेबल सॉल्वेंट में और फिर जो कोर मटेरियल होता है हम वो उसको यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करते हैं सॉल्यूशन में किसके कोटिंग मटेरियल के और देन फिर वो जो मटेरियल होता है कोटिंग मटेरियल उसको आप क्या करते हो फिर उसको आप फेस आउट करते हो सॉल्यूशन के विच स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड इन टू द पार्टिकल. फिर वो जो लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स है वो सॉल्यूशन के ऊपर कोर पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होना शुरू होते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन. सो इन दिस मेथड इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स. इन दिस मेथड द कोर एंड कोटिंग मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय मीन्स ऑफ हाई वोल्टेज. यानी कि आप हाई वोल्टेज के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10,000 वोल्ट के ऊपर आप चार्ज करते हो उन्हें और फिर उसको कोटिंग चैम्बर के अंदर और फिर उसको स्प्रे करते हो. उसके बाद जो वैक्यूम डिपोजिशन है ये मेथड में क्या है कि वेपराइज चैम्बर जो होता है उसके अंदर आप कितना उसका वो होता है वैक्यूम चैम्बर ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 to 10 mm इन विच द कोर मटेरियल इज प्रेजेंट द कोटिंग मटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन द पार्टिकल्स. यानी कि वैक्यूम चैम्बर में आप क्या करते हो जिसमें पहले से कोर मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ पर आप आपके पार्टिकल्स को पुट करते हो. सो नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन. सो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन जो है वो पूछ सकता है सिलेबस में आपको पेपर में. सो दिस इज रिलेटिवली न्यू टेक्निक एंड इज बिकमिंग पॉपुलर विद द ड्रग मैन्युफैक्चर. इन दिस टेक्निक द कोर मटेरियल इज डिस्पर्स इन अ लिक्विड और अ गैस विच मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ द कोटिंग मटेरियल आर प्रेजेंट. यानी कि क्या कि जो कोर मटेरियल होता है इस टेक्निक में वो क्या डिस्पर्स होता है किसके ऊपर, लिक्विड और गैसियस मोनोमेरिक यूनिट के अंदर कोटिंग मटेरियल के जहाँ पर वो प्रेजेंट होता है. दिस मोनोमर्स गेट पॉलीमराइज एट द सरफेस बिटवीन द कोर पार्टिकल्स एंड द लिक्विड गैस विच फॉर्म्स अ कोट ओवर द कोर. तो क्या होता है कि इसमें जो आपकी क्या होता है जो आपका लिक्विड पॉलीमर कैसे फॉर्म होते हैं वहाँ पे
जो कोर पार्टिकल्स होता है और जो लिक्विड गैस होती है वहाँ पर उसके इंटरफेस के बीच में क्या फॉर्म होते हैं वहाँ पे, ये पॉलीमर्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट इज मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूजल प्रोसेस। सो दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग माइक्रो कैप्सूल्स। द मेथड इज कैपेबल ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेटिंग लिक्विड इन अ सॉलिड। द पार्टिकल ऑफ द कोर मटेरियल आर फोर्स थ्रू एन एनवेलप ऑफ कोटिंग मटेरियल इन सॉल्यूशन बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। दिस फोर्स इन द मैकेनिकल इनकैप्सुलेशन ऑफ कोर पार्टिकल्स। यानी कि मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूजल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, माइक्रो कैप्सूल फॉर्म करते हो जिसके अंदर कोर मटेरियल्स जो होते हैं और जो कोटिंग मटेरियल होता है वो आप सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की मदद से उसको क्या करते हो, आपस में अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है फिर माइक्रो इनकैप्सुलेशन फॉर्म होती है। सो देयर आर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस दैट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स। सो यहाँ पर वेरियस इवैल्यूएशन टैबलेट्स के आप है, जैसे कि आप फॉलोइंग यहाँ पर 8 मेथड्स दिए उन्होंने एज पर IP क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए टैबलेट्स की। तो कौन कौन से, शेप ऑफ टैबलेट्स, अपीयरेंस, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ टैबलेट्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्रेबिलिटी टेस्ट। सो हेयर द फर्स्ट वन इज शेप ऑफ टैबलेट्स। इन फार्माकोपिया द शेप ऑफ टैबलेट इज डिफाइंड एज सर्क्यूलर विद फ्लैट और कॉन्वेक्स फेसेस। तो टैबलेट का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, सर्क्यूलर, फ्लैट और कॉन्वेक्स फेस उसका होना चाहिए एज पर IP। एंड उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, व्हेन अ ब्रोकन सेक्शन ऑफ एन अनकोटेड टैबलेट इज एग्जामाइंड अंडर अ लेंस, आइदर अ रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेक्स्चर, सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, यानी कि मल्टी लेयर इज सीन एंड देयर शुड बी नो साइंस ऑफ कोटिंग। यानी कि अगर अपीयरेंस कैसा होना चाहिए उसका, अगर वो सिंगल लेयर है तो अगर आप उसको माइक्रो आप उसको उसको आप लेंस के अंदर एग्जामाइन करते हो तो उसका स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए। इफ़ देर इट इज़ अ सॉरी इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर इफ़ देर इज़ अ सिंगल लेयर टैबलेट, और इफ़ देर इज डबल लेयर टैबलेट सो इट इज़ अ स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर उसका वहाँ पे सीन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टैबलेट। सो कंटेंट और इन एक्टिव इंग्रेडिएंट टैबलेट कैसे पता करेंगे, द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय ड्यूरिंग द SA एज स्टेटेड इन द मोनोग्राफ। सो मोनोग्राफ जो IP में दिया वो उसकी बेसिस पे जनरली 20 टैबलेट्स और सच अदर नंबर एज मे बी इंडिकेटेड इन द मोनोग्राफ आर यूज टू SA। द रिजल्ट लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ द कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टेटेड इन द मोनोग्राफ वेयर 20 टैबलेट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन, अ स्मॉलर नंबर विच मस्ट नॉट बी लेस दैन 5 मे बी यूज। तो आपको एटलीस्ट 5 टैबलेट लेबोरेटरी लेवल के ऊपर यूज़ करना है। इन मोनोग्राफ इन्होंने 20 दी है, लेकिन आपको अगर लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करनी है तो एटलीस्ट आपको 5 टैबलेट भी तो यूज़ करना है इस मेथड के लिए। सो इन सच केसेस द लिमिट स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ मे बी रिलैक्स और इन द एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द टेबल नंबर। तो यहाँ पर उन्होंने टेबल बताया कि कितनी वेट ऑफ मेडिकामेंट इन ईच टैबलेट होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट टू सैम्पल ऑफ, और इतनी सैंपल में उसका वेट कितना होना चाहिए, अन एडेड टू अपर लिमिट ऑफ टैबलेट उसका कितना होना चाहिए। सो इसी तरह से नेक्स्ट इज सो क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेबल अप्लाई व्हेन द स्टेटेड लिमिट आर बिटवीन 90 to 110%। द लिमिट लेस देन 90 और ग्रेटर देन 110% प्रोपोर्शनली अ लार्जर अलाउंस इज मेड। मतलब जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 90 to 110% उसका होना चाहिए। एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, देखो जैसे कि हमने पहले देखा था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट हम कैसे भी करेंगे, इट इज़ डिजायरेबल दैट एवरी इंडिविजुअल टैबलेट इन बैच शुड बी यूनिफॉर्म इन द वेट, बट अ स्मॉल वेरिएशन इन द वेट ऑफ इंडिविजुअल टैबलेट इज लायबल टू अक्यूर। मतलब थोड़ा बहुत अगर वेट ज़्यादा होता है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो कितना, यहाँ उन्होंने टेबल बताया कि अगर 8 mg की टैबलेट है तो कितना परसेंट 10% वेट कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन मोर देन 8 mg की टैबलेट है और लेस देन 250 mg की टैबलेट है तो 7.5% वेरिएशन चल सकता है। इन द केस ऑफ थर्ड वन 250 mg की टैबलेट है या फिर उससे ज़्यादा है तो 5% ही इसका वेट वेरी होना चाहिए। उसी तरह से यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट व्हाट इज़ दिस, सो टैबलेट मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। परसेंट ऑफ मेडिकामेंट इज कैलकुलेट बाई डूइंग SA ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, द मेथड ऑफ विच इज गिवन इन द फार्माकोपिया अगेंस्ट द मोनोग्राफ।
यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसके ऊपर जितनी यूनिफॉर्मिटी है कंटेंट की, उतनी ही कंटेंट पर्टिकुलर टैबलेट में बराबर होनी चाहिए। तो आप ये कैसे पता करोगे कि फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको ऐसे परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आपने पैरास्टामोल की टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की है तो आपको आईपी में ऐसे देखना है पैरास्टामोल का और वो आपको परफॉर्म करना है। सो नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ टैबलेट। सो डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है कि आपको इसमें ये देखना है कि टैबलेट कितना टाइम रिक्वायर लेती है कि जब वो हमारे लेने के बाद, बॉडी में लेने के बाद वो कितनी देर में डिसइंटीग्रेट होती है या कितनी देर में वो पिघलती है, कितनी देर में वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर वो हमारी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब होने, टैबलेट हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, उसका टैबलेट का इफेक्ट बताएगी जब वो एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में तो कितना टाइम उसको एब्जॉर्ब होने के लिए लगेगा हमारी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि जो हम उसमें ब्लाइंडर ऐड करते हैं उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हमने उसमें कितना ऐड किया है। तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑपरेटर्स में क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर होता है, वाटर जो है वो कितना और हॉट प्लेट क्यों, क्योंकि वाटर को हॉट करने के लिए कितना उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 35, क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 to 37 or 38 इसका टेम्परेचर होना चाहिए क्योंकि ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। और फिर हम क्या करेंगे, सेक्शंस है वहाँ पर आपको अंदर टैबलेट पुट्स करनी है, टैबलेट वहाँ पे फिर आपको पुट करनी है और टैबलेट पुट करके आपको फिर उसको बटन ऑन करने, बटन ऑन करने के बाद क्या होगा, ये जो शाफ्ट है ये अप एंड डाउन ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से ये पानी में डिप होगी, फिर पानी में डिप होगी फिर निकलेंगी। तो हमको कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने के लिए, पूरी टैबलेट जो है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में थी पूरी तरह से यहाँ पे पाउडर होकर लिक्विड होकर पूरे पानी में मेल्ट होने में कितना टाइम लगाया वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है सिंपल डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेस्ट ऑफ टैब। एंड नेक्स्ट इज डिसॉल्यूशन टेस्ट ऑफ टैबलेट। सो इन दैट द टेस्ट इज डन फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू अ गिवन परसेंटेज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इन अ टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इन विट्रो। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। द ऑपरेटर यूज फॉर द टेस्ट ऑपरेटर एज पर आई पी इज गिवन इन आई पी। सो ये ऑपरेटर से जो आप यूज़ करते हो, ये मोटर है जो कि इस शाफ्ट को रोटेट करती है, ये थर्मोमीटर है जो कि यहाँ इस बास्केट का टेम्परेचर बताता है हमको, जिसका हमको कितना 38 और 37 हमको उसको मेनटेन करके रखना होता है। और यहाँ पर हम टैबलेट पुट करके फिर इस शाफ्ट को रोटेट करते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टैबलेट को डिजॉल्व होने के लिए। सो सिंपल ये डिसइंटीग्रेशन की मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम क्या है और क्या क्यों चेक करते हैं, तो सो द फार्माकोपिया हैज़ नॉट फिक्स एनी स्टैंडर्ड फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट। मतलब टैबलेट कितनी हार्ड है, वो कितना प्रेशर लेती है या कितना प्रेशर लेती है वो टैबलेट को टूटने के लिए या ब्रेक होने के लिए, हम इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की मदद से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर्स है, फर्स्ट वन इज मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर एंड फाइजर टैबलेट हार्डनेस टेस्टर। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्क्रू नोब होता है, यहाँ पे टैबलेट होती है और यहाँ पे स्पाइंडल और इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे टैबलेट रख के आप इसको स्क्रू को रोटेट करते हो और फिर यहाँ पे जैसे जैसे आप रोटेट करते हो, जैसे आप इस स्क्रू को रोटेट करते हो, ये इंडिकेटर हमको बताता है कि कितना केजी वेट जो है रिक्वायर्ड है और फिर कितने बार के ऊपर, कितने प्रेशर पर टैबलेट यहाँ पे ब्रेक हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रेशर डायल होता है, यहाँ पे टैबलेट रखनी होती है आपको और आप यहाँ से इसको प्रेस करते हो, तो यहाँ और यहाँ पे प्रेशर डिटरमाइन होता है कि कितना प्रेशर लगा है उस टैबलेट को ब्रेक होने के लिए। सो यहाँ पे केजी में है और यहाँ पे प्रेशर में, बस इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों का मैकेनिज्म सेम है। नेक्स्ट इज फ्रायबिलिटी टेस्ट। सो नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ टैबलेट अ सफिशिएंट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द ग्रैनुल सो दैट द टैबलेट्स कैन वाइड स्टैंड द वेयर एंड टियर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। सो देखो फ्रायबिलिटी टेस्ट सिंपल क्या होता है कि ये इसलिए हम कंडक्ट करते हैं कि भाई इसका वेयर एंड टियर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये टैबलेट ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल मोटर के थ्रू हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो टैबलेट्स जो है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम किस तरह की टेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं, तो एक फ्रायबिलेटर की मदद से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की मशीन्स होती है फ्रायबिलेटर की, जिसमें आपको टैबलेट पुट करके उसको रोटेट करना होता है। तो रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि ये बार बार ब्रेक होती है, रोटेट करने की वजह से बार बार ब्रेक होती है। तो ये कितनी ब्रेक होती है, कितनी पाउडर होती है उसके, उनको कितना उसको स्पीड पे उसको रोटेट करना होता है, 25 RPM के ऊपर 20 टैबलेट्स को आपको रोटेट करना होता है। रोटेट करने से पहले आप उसको वे करना होता है और वे करने के बाद उसको आपको 4 मिनट उसको रोटेट करना होता है, या फिर उसके 100 राउंड आपको इस तरह से 1
टू थ्री ऐसे 100 राउंड उसके होने के बाद आप उस टैबलेट के जितने भी आपने 20 टैबलेट डाले थे उसको आप फिर क्या करते हो, वेट करते हो और आप ये देखते हो कि और आपको नहीं, आपको दो वेट करना है, एक कब इस मशीन में टैबलेट्स को 20 टैबलेट्स को डालने से पहले उनका वेट करना है, फिर इस मशीन में डालने के बाद आपको टैबलेट का वेट करना है और कितना वेट लॉस हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है और जो वेट लॉस हुआ है वो कितना होना चाहिए, लेस दैन 0.8% जितना हमारा वेट था उससे लेस दैन 0.8 अगर टैबलेट का वेट लॉस होता है तो फ्रायबिलिटी टेस्ट वो उसने पास कर दिया और अगर नहीं हुआ और उससे ज़्यादा होता है तो टैबलेट क्या हुआ फिर ये फ्रायबिलिटी टेस्ट फेल। सो हेयर और चैप्टर डेट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट वॉज एंड, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स। थैंक यू।